हेलो गाइस, वेलकम टू एडवांकुर एंड मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और आज का जो वीडियो है वो जेएससी नगर पालिका का जो एग्जाम हुआ है 29 अक्टूबर को, 29th of October को, तो उसका जो प्रश्न नागपुरी का पूछा गया है उसी नागपुरी प्रश्न का विश्लेषण आपको पूरा डिटेल्स के साथ आज के इस वीडियो में मिलेगा। आपको ये भी समझ में आएगा कि आगामी जितने भी ग्रेजुएट लेवल के एग्जामिनेशन होंगे उसमें नागपुरी के प्रश्न कैसे आएंगे, कैसा डेप्थ रहेगा और किस तरह से उस तरह के क्वेश्चंस के साथ डील करना है, ये सारा कुछ आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा। ये पार्ट वन है, इसका एक और पार्ट बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, नागपुरी का जो पेपर हुआ ना उसमें पहला क्वेश्चन जो था वो था बिंदुलिया रानी से। वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। बिंदुलिया रानी लोक कथा में केकर जनी कर नाम बिंदुलिया रहे तो राजा कर, ठीक है। उसके बाद का जो भी ऑप्शन है वो ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। तो जो ऑप्शन सही है उसको एलिमिनेशन भी आप अगर मान लीजिए नहीं पढ़े हैं तो एलिमिनेशन के थ्रू भी आप लोग समझ सकते हैं कि बिंदुलिया रानी जो है वो राजा की वाइफ थी। चलिए आगे बढ़े। सुंदर चतुर्भुज जिनके जगतपुज कंटे शोभित माला मालिके प्रस्तुत पंक्ति केकर रचना है के, तो ये बतलाना है कि ये किसकी रचना है। तो ये आप लोग को पहले तो ये जानना होगा कि है किससे, ठीक है, मतलब कि कौन से कविता से है, गीत से। तो छोड़ी कपटी माया है उसी का ये है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बरजू राम पाठक की ये रचना है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब तो कहे कि डायरेक्ट क्वेश्चन है तो आप लोग को दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नईमुद्दीन मिर्दाह कर कहानी संग्रह कर नाव का है, तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ना ये सारा का सारा जो है वो नईमुद्दीन मिर्दाह की ही रचना है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, कहानी संग्रह। आपको जो एडू अंकुरण टीम और स्पर्धा के द्वारा जो नागपुरी का प्रैक्टिस वर्कबुक दिया गया है उसमें भी कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस डाले गए हैं, जिसमें कि आप लोगों को बहुत सारे कोचिंग के शिक्षक गण लोगों के द्वारा बोला गया था कि क्वेश्चन ने तो गलत फ्रेम किया है, क्वेश्चन ने तो गलत फ्रेम किया है। तो समझाए थे, देखो भाई, गीतखंड काव्यखंड इस तरह से सेपरेट करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अभी यही ट्रेंडी है, ट्रेंड में यही है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। देखिए आज क्वेश्चन वही पूछा गया है कि नईमुद्दीन मिर्दाह कर कहानी संग्रह कर नाम है के क्या है। तो कहानी संग्रह क्या है, मेंजूर पाइक है और ये सब जो है ना ये सब कहानी है। ये देखिए आप लोग को पढ़ाया गया, जो पेड क्लासेस जो लिया गया या पीडीएफ जो आप लोग को प्रोवाइड कराया गया उसमें हम लोग बहुत अच्छा से क्लियर किए हैं। ये देखिए एडवंकुरन का है, इसमें क्या एकदम स्पष्ट रूप से बताया गया है कि नईमुद्दीन मिर्दाह का जो कहानी है, जो कविता है, ठीक है, जो रचनाएं पाठ पुस्तक में पढ़नी है सबको और प्रमुख रचनाओं को याद करने का ट्रिक जो है ये सारा कुछ हम लोग कराए हैं, ठीक है। तो मेजर पॉइंट जो है ना वो कहानी संग्रह है जो कि 1983 में लिखा गया है, मतलब कि इसका संपादन हुआ है। अब उदय कुटी अखरा भी है, करम कर जुगुत भी है, ठीक है, एक कांदी केवरा कर फूल भी है। तो ये सारा कुछ जो है वो बहुत अच्छा से देखिए, यहाँ स्पेशली ये सारा का सारा कहानी है लेकिन यहाँ पर स्पेशली बताया गया था कि ये कहानी संग्रह है। तो आपको क्वेश्चन यही पूछा गया है यहाँ पर, सॉरी इसको हम लोग एक बार बैक करें, इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पर इसको एक मिनट फ्रॉम करंट स्लाइड में हम फिर से जाते हैं। तो यहाँ पर ना आप लोग को यही पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि नईमुद्दीन मिर्दाह कर कहानी संग्रह कर नाम बताइए। ये सब जो है ना छोटा छोटा कहानी है, धदई कुटी अखरा, करम कर जुगुत, एक छत की फूल, लेकिन मेजर पॉइंट में ना कई कहानियों का संग्रह है इसीलिए इसको कहानी संग्रह कहा गया है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा, लह 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 पवन रोस ह ह तरु धरनी लोर हहरत मन थहरत तन थरहर खरभरे गोई आजू अवसर अस आजू अवसरे अस गोविंद नहीं घरे। बताया था ना ये उमड़ी गगन घन घमंड से लिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब ये पांचवा, नागपुरी में वचन कर रूप का में होयला, ठीक है। तो ये देखिए ना वचन का जो रूप है ना वचन, तो जो ऑप्शन दिया गया है ना इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संज्ञा सर्वनाम विशेषण। ये भी आप लोग को जो पढ़ाया गया है ना वचन का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा एडवांकुरन के द्वारा जो दिया गया है उसमें बताया गया है बहुत अच्छा से। क्या बताया गया है कि नागपुरी में वचन कर रूप संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया में होवे ना, और उसका एग्जाम्पल भी बताया गया है। देखिए संज्ञा में वचन कैसे होता है, सर्वनाम में वचन कैसे होता है, विशेषण में वचन कैसे होता है, तो ये बहुत अच्छा से आप लोग को कराया गया है।
देखिए इस बार का जो क्वेश्चन है ना, आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए हैं और इजी क्वेश्चन आए हैं। बस वही है कि आप लोग किस तरीके से पढ़े हैं, कहाँ पर पढ़े हैं, इसका बहुत ज्यादा देखा गया है, ठीक है। और मैं कुछ ये भी चीज बता दूं ना, आप लोग बहुत सारे गणमान्य लोग देखते हैं एडु अंकुरन टीम को, उसको सराहना करते हैं, सब परिवार देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग सबों को प्रणाम, आप लोग आदर के पात्र हैं। एक चीज ये भी कहूंगा कि देखिए नागपुरी के लिए इतना कम समय में जितना शिक्षक गण लोग हैं, ठीक है, उन लोग काफी मेहनत किए, हर शिक्षक की मैं बोलूंगा कि इतना कम समय में नागपुरी का मटेरियल जुगाड़ नहीं था, लेकिन भी नागपुरी के लिए आप लोगों ने इतना योगदान दिया, नागपुरी के छात्रों के लिए दिन रात आप लोगों ने मेहनत किया, ठीक है। तो आप लोग सही में आदर के पात्र हैं और हम लोग तहे दिल से, हमारी टीम आप लोगों का शुक्रगुजार है कि आप लोग नागपुरी के लिए इतना किए। अच्छा कुछ चीज जो है वो मैं, जो काफी गणमान्य लोग जो हैं जिनके द्वारा एग्जामिनेशन ये सब कंडक्ट होता है, ठीक है, तो मैं ये कुछ कहना चाहूंगा अपनी टीम के माध्यम से, इन छात्रों के माध्यम से, कि सर हम लोग का ना थोड़ा फेयर एग्जाम लीजिए सर। ये जो लूप होल होता है ना, उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो वो पूरी तरह से टूट जाता है बच्चों का, ठीक है। एक फेयर एग्जाम लीजिए, जिस तरह का जो जो भी त्रुटियां आई, लूप होल हुआ, लीकेज हुआ, तो सर उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए और उस पर काम कीजिए, ठीक है। क्योंकि जैसा देखा जाता है नागपुरी का जो सिलेबस है तैयार जो किया गया, उसमें ही कुछ कुछ कंफ्यूजन था, उसके लिए कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया, बेलपत रानी पढ़ना है कि बालमत रानी पढ़ना है, इस तरह का भी था। तो ये देखा जाता है कि नागपुरी के छात्रों के साथ थोड़ा सा तो मुझे लगता है कि अनुचित होता है, तो उस पर थोड़ा सा अगर काम किया जाए, तो मेहनती लोग काफी हैं और अच्छा करेंगे लोग, अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन एग्जाम हुआ था, संडे को एग्जाम हुआ था शायद इसका, 29th को, तो उस दिन 2 बजे के बाद से मुझे रात के 11:21 तक लोग कॉल या मैसेज करते रहे कंटिन्यूअसली, ठीक है सर आप जो पढ़ाए उसी से आया। मैंने बोला कि नहीं, आप लोग जो मेहनत किए उसका परिणाम है, हम लोग का क्या काम है यार, हम लोग तो पढ़ा के निकल गए, लेकिन आप लोगों का जो मेहनत है, आप लोग का जो डेडिकेशन था, आप लोग कहाँ कहाँ से जुगाड़ कर रहे थे, ये मटेरियल सर वो मटेरियल, आप लोग कई लोगों ने मुझे मटेरियल दिया कि सर ये मटेरियल है इसको थोड़ा सा करा दीजिए, तो लोगों ने काफी मेहनत किया है। तो अगर उसमें कुछ लीकेज होते हैं या फिर जिस तरह से कुछ कुछ सेंटर से कुछ अनियमितता जो हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा दिल बैठता है लोगों का सर, तो उस सब का आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। चलिए अब जो स्टूडेंट है, आप लोग को सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है, जो भी स्टूडेंट है, जो एस्पिरेंट है, आप लोग को सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है आगामी एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए जैसे कोई माई से चल गए जाड़ जेठ बरसात, तो ये जेठ मास अति का है, सॉरी सॉरी सॉरी, के याद करत और के कर से बात कर, तो कुमारी बसंती का रचना है ये, नवा साल का नवा गीत का ये रचना है, इसको बताया गया है इस मतलब सब कुछ आप लोग को कराया गया है और आप लोग बहुत अच्छा से परफॉर्म किए हैं, ये मुझे बहुत अच्छा से पता चला है, ठीक है। बहुत सारे लोग भावुक होके भी कॉल किए, बोले कि सर जो स्टाइल आप और जो क्वेश्चन आप फ्रेम किए थे उससे क्वेश्चंस आए हैं, तो बहुत अच्छी बात है ना। तो सबके लिए, सबके लिए है ये, सब कोई आप लोग मेहनत किए हैं, आप लोगों का है, ठीक है, तो उसको एंजॉय कीजिए और सीजीएल के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए आगे बढ़े। उमड़त आवे हवा तूफान, सेहो देखी उड़त प्राण, तपित अंग परे तनिको नहीं मिले, ये तो जेठ मास अति का है, ठीक है। और जेठ मास असी जो है आपका भरत किनका है, जेठ मास असी किसका है, तो आपका भरत नायक का था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नगपुरिया में स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाओ, तो ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें तो आप लोग महत्वाइन जनी छोड़ी तो समझ गए होंगे कि महत्वाइन महत्व को बोलेंगे, जनी का मर्द होता है और छोड़ी का छोड़ा होता है, लेकिन दाइड़ आप लोग नहीं समझ रहे होंगे, तो दाइड़ किसको कहते हैं, दाइड़ जो होता है ना डायर को कहते हैं, डौरा कहते हैं, ठीक है, जो कोमल जो जो मजबूत डायर होता है, मोटा वाला डायर, उसको डायर कहते हैं, और वही जो पतला नया नया कोमल निकलता है नया डाली, तो उसको साढ़ा कहते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आप लोग को मेंशन कर दिया ताकि आगामी एग्जाम के लिए आप लोग को दिक्कत ना हो, बढ़िया से तैयारी कीजिए, ठीक है, कोई भी चीज की ना तैयारी बहुत बढ़िया से होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, अच्छा एक चीज और भी देखिए, जो एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराए हैं या फिर जो प्रश्न बना है आप देखिए, तो इसका देखिए ए का चौथा, बी का सी,
सी और ये डी यहां पर है, लेकिन यहां पर देखिए तो कहा है डी यहां पर कहा है सी, ठीक है बी, ये क्या है भाई? फिर यहां से आ गया ए, ये क्या है? मतलब कि फिर यहां है बी, एक सीक्वेंस ना होना चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए, ए बी सी डी इस तरह से रहेगा। अब ए के जगह पे यहां पर चलिए ए का हो जाएगा चौथा, ठीक है, एक सीक्वेंस होना चाहिए किसी भी चीज का। आप एग्जाम ले रहे हैं, एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, ठीक है, बी का हो जाएगा तीसरा, ठीक है बी का हो गया तीसरा, सी का हो जाएगा जनी का हो जाएगा मरद तो दूसरा, देख रहे हैं, और डी का हो जाएगा तो आपका क्या, डी का छोड़ी तो डी का हो जाएगा एक, ऐसे होना चाहिए। तो इसी सीक्वेंस में ना आपको ऑप्शन यहां पे होना चाहिए। देखिए तो ऑप्शंस का सीक्वेंस आप लोग समझ रहे हैं हम क्या समझाना चाह रहे हैं, ऑप्शंस का सीक्वेंस देख रहे हैं, यहाँ ए है ए बी सी डी होना चाहिए, यहाँ डी सी बी ए है, फिर यहाँ ए बी सी, क्या है भाई उल्टा पलटा कुछ भी, एक सीक्वेंस होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा रद्दी कागज कहानी कर लेखक, अगला क्वेश्चन में आइए, हम लोग को क्वेश्चंस पे कॉन्सेंट्रेट करना है और इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होंगे आपके आगामी एग्जाम में, उसका उसका काफी ख्याल रखना है। रद्दी कागज कहानी कर लेखक कर नाव बताओ, ठीक है, तो रद्दी कागज का डॉक्टर बीपी केसरी है, विशेश्वर प्रसाद केसरी, ठीक है चलिए आगे बढ़े। दसवां, दोना दोना मद पी लिया। अच्छा जब हम लोग जब करा रहे थे ना हमारी टीम के द्वारा, तो हमको ना ये जो मिला था ना, तो मध्य ऐसे करके था, मध मध ऐसे लिखा हुआ था, मतलब कि थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था, तो इसीलिए हम उसको ना दोना दोना मधु बोल दिए हैं। तो उसके लिए बहुत सारे लोग आप लोग कमेंट किए हैं, हमको डांट भी लगाए हैं ठीक है, पढ़ाना नहीं आता तो पढ़ाते गए हो तो खैर कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है मिस्टेक थोड़ा सा। मद मद मतलब कि मदिरा पिए, ठीक है, दोना दोना दोने में दारू पीता, हड़िया पीता है लोग, नहीं पीता है सो बात नहीं है, ठीक है, तो दोना दोना मद पीली बजाली झांझ मांदर, ठीक है, ई रचना कौन नागपुरी का साहित्यकार का है, तो ये कुमारी बासंती जी का है, ठीक है, कुमारी बासंती जी का दो हम लोगों ने पढ़ा, ये सिमडेगा में इनका जन्म हुआ था, ये सारा डिटेल्स तो हम लोग बहुत अच्छा से किए हैं, सिमडेगा में जन्म हुआ था और ये नवा सालक नवा गीत से संबंधित है, तो आप लोग ना सब कुछ को दिमाग में रखिए। और देखिए आपको हम लोग जो क्वेश्चन फ्रेम किए थे ना, तो इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन फ्रेम कर करके देते थे और बोलते भी थे, मेरा जो टाइपिस्ट था गुस्सा भी गया था एक बार कि बैग सर ऐसा थोड़ी आता है, अगर कोई भी स्टेंजा दिया है ना तो उसे पूछता है कि कौन सा कविता से, तो हम लोग बोलते तुम घबराओ मत ना भाई, क्वेश्चन ऐसे आएगा, इसके रचनाकार कौन है, इसके साहित्यकार कौन है, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा, घबराओ मत। तो देखिए उसी तरह से क्वेश्चन आया है ना। अब आगे बढ़ते हैं, छोटकी रानी लोक कथा में बूढ़ा बूढ़ी कर कैठ बैठी रहे तो सात गो थे, ये सब सिंपल क्वेश्चन है। लोकगीत पुरना परिया से लोक कंठ में बसे एखन तक चैल आलख है के ओके स्वतः परंपरागत गीत मनक कर हमारे मन गिल लोकगीत का सकीला। तो देखो ये 12 नंबर क्वेश्चन जो है ना, ये थोड़ा सा डाउटफुल है और इसका आंसर इसीलिए भी हम लोग नहीं बताएंगे, इसका आंसर की जब आएगा तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये 12 नंबर क्वेश्चन जो है, ये एक क्वेश्चन इसको आप लोग दिमाग में रखेंगे, ठीक है, हम ये नहीं बताएंगे कि ये किसका है, ठीक है, पहले आंसर की आने दीजिए, तो आंसर की आएगा तो उसमें क्लियर किया जाएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर, कहाँ आए माता पिता कहाँ आए चिंता मोहन कहाँ आए रे तुलसी भगवान। देखिए ये है तो देवठान का गाना, समझिए मेरी बात को, है देवठान का गाना, लेकिन अगर तुलसी दे दिया, आप लोग को हम शायद बताए भी थे जब क्लासेस लिए थे तो उसमें बताए थे कि जब अगर तुलसी अगर दे देगा कि तुलसी पूजा है तो उसी पे जाइएगा, कहे कि देवठाने में हम लोग ना माता पिता कहाँ आए कह के उठाते हैं, ठीक है, हम लोग का जो जैसे विष्णु भगवान का पूजा किया जाता है देवठान में, ठीक है, वही इस सृष्टि का संचालक है, तो देवठान में देवता लोग को उठाया जाता है, देवता लोग ही हम लोग के माता पिता हैं ऐसे करके, ठीक है, तो इसीलिए ये गाना गाया जाता है, कहाँ आए माता पिता कहाँ है चिंता मोहन ऐसे करके लोग गाते हैं, ठीक है, कहाँ आए रे तुलसी भगवान, तो ये तुलसी पूजा से है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तुलसी पूजा। लेकिन तुलसी पूजा मान लीजिए आप लोग को सीजीएल में ऑप्शन में नहीं देगा, तो आप लोग चुपचाप से देवठान में जाइएगा, ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, भाई करखेल लोक कथा में बर के मारलक, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बर के मारलक, तो कौन मारा था, बाघ उसको खा गया था, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अब ये देखिए, अंगना कर बीचो बीच ऊंच चौतरा बनाए के पवित्र मन से रोपल तुलसी कर बुदा, तो ये तुलसी और कैक्टस से है, ठीक है, और इसका मीनिंग भी हम बहुत अच्छा से आप लोगों को बतलाए थे कि नागपुरिया समाज में किस तरह से होता है, भाई तुलसी बुदा का मतलब ये मत समझ लीजिए तुलसी का पेड़ लगा रहा है और कैक्टस लगा रहा है,
हम लोगों के समाज की जो पवित्रता है उसको बताया गया है। तो ये किसकी रचना है? तो ये धनेन्द्र प्रवाही की रचना है, समाज सामाजिक विचारधारा से ओतप्रोत है ये जो कविता जो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। संगे संगे एके रंगे लहिर लहिर जागा और जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा। तो ये तो सी डी सिंह की रचना है। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सी डी सिंह। चलिए आगे बढ़े। 16 शहर एक तो हो गया, इसका तो हो जाएगा सी डी सिंह। चलिए आगे है। सुभाष चंद्र बोस भौज के फौज के कप्तान रे, गोड़नी कर लें पाछे रहे सीना तान रे। तो ये देखिए यहाँ दे दिया है कवि अजीज अंसारी का है। ठीक है, तो कवि अजीज अंसारी का ये मुलुक भारत का है। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा आया है इसीलिए ना आप लोग बोल रहे हैं कि सर 92 किए, 95 किए, 96 किए। ठीक है, इसीलिए ना बोल रहे थे फोन कर करके। चलिए आगे बढ़े। नैहर से आवल लाली पियर हो लाल, लाल पलका से अनल पीतर आनंद हो, प्रस्तुत पंक्ति कौन संस्कार गीत से है? तो देखिए ये जो है ना आपका जन्म संस्कार का सोहर गीत से संबंधित है। इसको तो हम आप लोग को वीडियो दे दिए हैं। देखिए यहाँ पर हम आप लोग को वीडियो में भी बताए थे कि वही सोहर गीत या झंझाइन गीत होता है। तो यहाँ पर देखिए ना, पीतर आनंद हुआ और वंश बढ़ा लाए ऐसे करके होता है। नैहर से आवर लाली पियर हो लाल, ये बलका ले आन लाए सिंगार पीतर आनंद भेलें और वंश बढ़ा लाए। तो ये कौन चीज से है संबंधित आपका? आपका ये है झंझाइन या सोहर गीत है। ठीक है, थोड़ा सा यार हम लोग थोड़ा ना टाइम उतना नहीं मिल पा रहा आया है, अभी टाइम कहीं दिक्कत है हम लोग के पास, तो इसीलिए। चलिए तो इसका हो गया आपका संस्कार गीत या सॉरी जन्म संस्कार गीत हो जाएगा 18 का। ठीक है, अच्छा 19, ऐसो कर बरखा पानी बड़ा जोर, खेते पीढ़ी किसान थाड़। तो ये क्या है? श्रम गीत है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं, ये चुपचाप से क्या हो जाएगा? श्रम गीत हो जाएगा। 19 का हो जाएगा श्रम गीत। बताए हैं सब सब चीज तो कराए ही। राजा जब शिकार खेला गेला है तो के देख के सिपाही मन भाई खड़ा होला है, भाई कर खेल लोक कथा में। तो किसको देख के खड़ा? तो बाघ को देख के। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए 21, रतिया कर आज बिजली तैर चमक उठलक आंख। ठीक है, आज बिंझिया होकर ठीक देवी तैर दिसलक। तो इसका रचनाकार का नाम बताने बोल रहे हैं, तो ये शारदा प्रसाद शर्मा का है, बिंझिया कहानी से लिया गया, ये आप लोग को बताए हैं। ठीक है, वाच्य कर कैठो, तो तीन ठो भेद होता है। ठीक है, कर्तृवाच, कर्मवाच और एक ठो कौन वाच्य होता है, अभी हमारे दिमाग में नहीं है लेकिन तीन ठो होता है। चलिए अब आ गया है। अब नहीं मानी तो चाहबे करे बलि, दना दन मूड़ हिंटी जखने तेगा चली। आपको बोले मूड़ हठीना का मतलब एक के बारे में गला काट देना खच से ना, तेगा का मतलब कटारी कोई भी। ठीक है, तो बिरसा कर याद से ये क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे। क्रिसमस कर सांझ, ठीक है, डॉक्टर बासंती कर मूद कहानी आहे, एकर में मूल बात का है, हालांकि गलत लिखा हुआ इसे तो होगा मूल बात का है। तो क्रिसमस कर सांझ जो है ना, देखिए कहीं पर भी गांव कर सांझ, क्रिसमस कर सांझ या फिर कोई सांझ, तो उसका मतलब ही होता है बाथा, दर्द। ठीक है, तो ये व्यथा से संबंधित होता है। ठीक है, कहीं पर भी अगर सांझ एक तो रागे होता है जिसमें दर्द से लोग गाना गाते हैं। ठीक है, तो सांझ अगर कहीं पर भी है क्रिसमस का सांझ, तो ये आपका व्यथा, तो ये नारी मन और अंतर व्यथा से संबंधित है। हमारी टीम के द्वारा तो यही होगा ऑप्शन नंबर ए, नारी मन और अंतर व्यथा। ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो हो सकता बी होगा, तो आंसर क्या आने दीजिए। ठीक है, हम लोग को तो लग रहा, हम लोग के अनुसार तो यही होना चाहिए, अंतर व्यथा है क्रिसमस की सांझ। ठीक है, बात बाकी और कुछ नहीं है, उपेक्षा या फिर ए या बी होगा, तो ये आंसर क्या आएगा ना, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन हमारी टीम के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अंतर्व्यथा ही होगा। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन, नागपुरी लिखे खान कुछ वर्ण कर प्रयोग नहीं होवेला, वो कौन सा है? तो ये वाला ऑप्शन सी हो जाए, ई हो गया, उ हो गया, री हो गया, लरी हो गया, ये सबका यूज नहीं होता है। ठीक है, वर्तमान काल कर नागपुरिया में कैठो भेद आए हैं, तो तीन ठो भेद होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। जगनवास निवारण नारायण तिवारी कौन गांव कर रहवैया रहे? तो ये बोढ़िया गांव का रहवैया थे, अर्जुन कहत बिचारी जब पढ़ाए हैं तो उसका हम जब डिटेल्स दिए थे पीडीएफ में, तो उसमें जगनिवास नारायण तिवारी के बारे में भी बताए थे, तो वो बोढ़िया गांव के रहने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़े। झनझन झिंकुर झकोर ठन ठन फेनी ढन के, फेनी फेनी का मतलब आपको बताया था ना, फेनगा होता है, फेनी होता है। ठीक है, फेनी ठन के जोर मंडूक पर खड़े, मंडूक का मतलब देखिए सीखते भी जाइए तब ना आगे एग्जाम में, हो सकता है पूछ देगा अगला एग्जाम में कि ये
झनझन तो फेनी ऊपरे देवल पंक्ति ने फेनी कर्माने आहे, फेनी संबंधित है के, इस तरह से क्वेश्चन दे देगा। तो आप लोग को ऐसा नहीं करना कि इसी का, आप लोग को आगामी जो क्वेश्चन है उसका भी तैयारी करना है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कवि कंचन का है, ठीक है। झनझन उमड़ी गगन घन घमंड से संबंधित है, ठीक है। चलिए अब क्रिया कर मूल रूप का है कि तो धातु है के, डायरेक्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम करना है। क्रिया का वीडियो देखिएगा मेरा, वो फ्री है, पब्लिक वीडियो है क्रिया का, व्याकरण में क्रिया का आप लोग वीडियो देखिएगा, पहला या दूसरा क्वेश्चन में यही है, क्रिया कर मूल रूप का है कि तो धातु है के। चलिए आगे बढ़े। अच्छा 29 क्रिया का मूल हो गया। 30वां फगुआ खेले कूद आला ई बन में आब, कैसे अब आवी की कण के, तो ये गिरधारी राम गुंजू की रचना है और कैसे आवी बसंत उससे संबंधित है, ठीक है। हमको लगता है इसको हम दिए हैं क्या, नहीं दिए हैं ये आपको, गिरधारी राम गुंजू का हम जब कराए थे ना तो उसमें हम इसको मेंशन किए हैं शायद कि कैसे आवी बसंत से ये संबंधित है, फगुआ खेले कूद आला, ठीक है। अच्छा अभी आप लोगों के लिए फिर से एक अनाउंसमेंट है, जो भी लोग आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देखिए एडमिशन हम लोग क्लोज कर दिए हैं, लेकिन अभी फिर से हम लोग जो पहले था 950 रुपए का, उस कोर्स को 50% में फिर से अब आप लोग को दे रहे हैं, ठीक है। कहे कि तैयारी कीजिए, बहुत सारे लोग कॉल करके बोले कि सर आप एडमिशन नहीं दिए थे कई बार, हम बोले थे कि PDF ले लो ना भाई, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं है, 475 में फिर से आप लोगों को हम लोग एडमिशन ओपन कर रहे हैं। 20 दिन ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, 20 दिन में आप लोग एकदम पूरा पक्का तैयार हो जाइए, कहे कि आप लोग पहले से बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, तो जिसमें डाउट है किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको फिर से अगर आप लोग करना है ना, तो 475 में आप लोगों को कोर्सेज फिर से हम लोग दे देंगे, उसमें वीडियो भी रहेगा, सेगमेंट टेस्ट जो है वो भी दे देंगे, फिर से आपको PDF भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और नहीं तो अगर आप लोग को सिर्फ PDF चाहिए, सिर्फ PDF दे दो सर, हम लोग पहले से बहुत जानकारी लिए हुए हैं, तो सिर्फ 290 रुपया में आप लोगों को PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा, कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। व्याकरण से लेके कवि परिचय से लेके गीत से लेके आपका जितना भी कुछ है आपका इस नया सिलेबस में, उस सारा कुछ, तो ये दोनों ऑप्शन है आप लोग के पास। लेकिन अब उस दिन फिर हम बोल रहे थे कि भाई PDF ले लो, PDF ले लो, तो PDF नहीं सर, अब उस समय ना क्लोज कर दिए थे, आप लोग देखते हैं बुरा मान जाते हैं, एडमिशन क्लोज हो जाता है ना, एक्चुअली लिंक जनरेट करते हैं हम लोग, लिंक जनरेट करना अभी टेक्निकल टीम नहीं चाह रहा है, तो हम लोग फिर से जब एग्जाम हुआ म्यूनिसिपलिटी का तो बहुत सारा लोग का कॉल आने लग गया है, ठीक है। तो हम लोग फिर से सोच रहे हैं कि चलो रीओपन कर देते हैं लास्ट टाइम में, तो 475 रुपये का कोर्स जो है वो आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग उसको जल्दी से लेके अपना तैयारी कर दीजिए, क्वेश्चन इसी से आ रहे हैं तो फिर इधर उधर क्यों आप लोग को भटकना, ठीक है। इधर उधर नहीं भटकना है, जो हम लोग बोल रहे हैं टीम के द्वारा जो मिल रहा है उसको आप लोग फॉलो कीजिए ना। चलिए मनपूरन लाल रण विजय नाथ सहदेव कर आधुनिक कहानी है के, ये कहानी कौन प्रधान तत्व को ये बतलाता है। देखिए ये जो है ना वो आपका हृदय परिवर्तन से संबंधित है, हमारे टीम के द्वारा तो यही है, कहे कि उसकी जो बेटी थी उसका नाम लीला नाम था, तो लीला का हृदय कैसे परिवर्तित हो जाता है, पहले नफरत करती है, ठीक है, लेकिन नफरत करने के बाद कैसे उसको प्यार हो जाता है अपनी माँ से, ठीक है, कैसे वो प्रेम कर बैठती है, वो एक हो सकता है, या फिर एक हो सकता है नारी हृदय, तो जो आंसर की आएगा ना उसी को हम लोग मानेंगे। तो अभी आप लोग ये दोनों को देखिएगा, पहला ए और डी, ये दोनों में से दोनों हो सकता है, ठीक है, ए भी हो सकता है डी भी हो सकता है, आंसर की जो आएगा उसी को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ई पोरा गांज ऊ कोम्बा कौन धांगर केकर उदाहरण, सब सब सर्वनाम विशेषण का उदाहरण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। सम्मत 65 साल कौन कवि कर रचना है, तो किसका है सम्मत 65 साल, तो द्रिपाल राम देवघरिया का है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सम्मत 65 साल। चलिए आगे बढ़े। धनी जयनाथ काशी गणेश कृपा लघासी भोला, ये तो मुदाले मुदई महेंद्र ढरु दाता दिगंबर, तो प्रस्तुत पंक्ति घासी राम करा है, इसका शीर्षक बताइए, तो ये किससे, ढरु दाता दिगंबर से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। गावत बरजू राम हपा मुनि स्थान करहु पूरन काम हाली के, प्रस्तुत पंक्ति बरजू राम का रचना है कि एक शीर्षक है, तो कौन सा है, छोड़ी कपटी माया है, ये सब इजी है, ठीक है, ये सब इजी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दीदी के पहले हैं रहिस्तों हैं दोहराओ मत बेबसी कर कहानी, ये किससे लिया गया है, तो ये जगत जननी से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी, जिसके रचयिता कौन है, शकुंतला मिश्र है। देखिए तर्पण जो है ना नागपुरी कौन साहित्यकार का है, तो ये बीपी केसरी का है तर्पण, ये आपको जो कवि परिचय करके एक PDF मोर पंख वाला नहीं सर्कुलेट हुआ था, तो उसमें है,
ठीक है, डॉक्टर बीपी केसरी का है तर्पण। ठीक है चलिए आगे बढ़े, हम लोग को समझना भी है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। ठीक है चलिए आगे बढ़े, गुप्त भैल जी मुख दय गुरु घी आए दूत धरे कर अचके कहाँ हंस अटके। इसको तो इतना बढ़िया से आप लोग को बताया गया कि आप लोग घर के बच्चे बूढ़े सबके जुबान पे ये गाना आ गया कि पापी प्राण छूटे नहीं झटके कहाँ हंस अटके, बताया था ना। तो कौन है यार इसका आंसर क्या हो जाएगा सही है, इसको आप ही लोग बताइएगा भाई इसका क्या होगा। सो हम तो दिमाग से मेरा उतर गया है। ठीक है चलिए आगे बढ़े, सब हम ही बताएंगे आप लोग नहीं बताइएगा का। चलिए आगे बढ़ते हैं, चम 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 दसो दिशा लवकत सावन घुमरी घुमरी पेट छिटा गोई सावन घटा। तो प्रस्तुत पंक्ति कौन कवि कर रचना है, तो सावन घटा, सावन घटा किसका, नईमुद्दीन मिर्दाहा का। ठीक है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नईमुद्दीन मिर्दाहा। ठीक है, करम करम कहला हो दादा कर्मा दिन कैसे आवे भादो एकादशी कर्मा, तो मतलब बताया कि भादो के एकादशी में कर्म गढ़ाता है उस बात को, तो ये कर्म का गीत है, ये इजी है ये सब चीज। ठीक है आगे बढ़ रहे हैं चलिए, अच्छा नागपुरी में एको सर्वनाम बगरा बेटा ओके का कहें, ये सब क्वेश्चन अटपटा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, एको सर्वनाम बगरा बेटा है, क्या बोलेंगे इसका, कहा जवाब देंगे बताइए ना, इसका कहा जवाब दें। ठीक है, आदरवाचक लोग बोलता है तो ऐसा नहीं, आंसर किया आने दीजिए तब उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, एगो सर्वनाम बगरा भेटाला कौन सा नागपुरी व्याकरण की किताब में कि बगरा भेटाला। ठीक है, आदर तो हम लोग देते ही है, रव रहे करके बात करते हैं किसी से। ठीक है, तो इसका आंसर किया आएगा तो उसको हम लोग फॉलो करेंगे। एक चक्ता रोध कहानी में प्रफुल्ल कुमार राय कौन बट इशारा करत है, तो बेमेल ब्याह में, यौन समस्या में, अतृप्त वासना में, नहीं इसका बेमेल ब्याह सिर्फ है। ठीक है, एक ही चीज है बेमेल ब्याह और सभी सब कुछ नहीं है। ठीक है चलिए आगे, धारी के धारी चलना है पाती पाती तीनों जल भरे जुगल युवती, तो प्रस्तुत पंक्ति कौन संस्कार गीत से संबंधित है, तो किससे संबंधित है आपका, तो पानी काटने समय उसमें करते हैं धारी के धारी चलना है पाती पाती तीनों जल भरे जुगल युवती, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पानी काटने का गीत है। चलिए आगे, तुह तो जानिस ला कि मद मास कामक नाश, तो ये का तो हमार खातिर सुगिया दीदी खातिर ये हाड़ी पिए के नहीं छोड़ देवे, तो ये कौन बिंझिया बोलती है अपना हस्बैंड रतिया से। ठीक है तो 44 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिंझिया। अच्छा, देसे नागपुरे हीरा नागपुरे गोई साजन हे साजन कोयली संखे तीरे देसे नागपुरे गोई साजन, तो ये आपका प्रफुल्ल कुमार राय का ही रचना है। ठीक है, किसका कौन कवि है, तो प्रफुल्ल कुमार राय। चलिए आगे बढ़ते हैं, कमल और केतकी लोक कथा में राजा कैठो ब्याह करता, कैठो किया था जी, तीन ठो तो थी उसकी। ठीक है तो उसका हो जाएगा तीन ठो किया था, तो छोटकिया जो थी उसी से ना कमल और केतकी हुआ था, मतलब कि बच्चा बच्ची हुआ था नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, शिव गौरी करु दया जगत हितकारी गणेश पद वंदना करब करजोरी, तो देखिए आप लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, देखो भैया क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया है ना वो समझना है हम लोग को, तो भीम महतो का जो रचना है उसको पढ़ना है ना, भीम महतो का रचना में तो हम आपको बताए थे कि वंदना करब करके एक तो कविता है, अब उसका कविता के अंदर से भी क्वेश्चन दे दिया है ये, तो देखो एक तरह से कहेंगे ना तो आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है लेकिन क्वेश्चन टफ है। ठीक है, क्वेश्चन टफ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भीम महतो। देखिए आप कहते हैं, देखिए हम बता रहे हैं जब हम आप लोग को जब करा रहे थे ना भीम महतो की रचना नागपुरक भाईमन, तो उसमें हम लोग स्पष्ट लिखे हैं कि वंदना करब जो है भीम महतो का जिसे जन्म कहा हुआ कवि परिचय गुड़ूबाजपुर के हैं, चिकित्सा के जानकार थे ये, और रचनाएं कहाँ जन्म ले ले वंदना करब नागपुरिया पचरंगी ये एडवंकुरन के द्वारा आप लोग को बताया गया है, पीडीएफ में एटलीस्ट प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है तो आप लोग देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा ना, हम लोग के पास उतना टाइम नहीं रहा है यार। ठीक है, नवरात्रा हो गया तो जिसकी वजह से सारे लोग बीच में बिजी हो गए, उसके बाद फिर और भी काम पे बिजी हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भीम महतो होगा जिसका वंदना करब करके जो है उसी का ये कविता है, तो हम लोग और भी अब फ्रेम करेंगे, अब जो भी आप लोग को जो पेड बैच वाले जो भी हैं और भी कुछ कुछ ऐसे चीज़ों को फ्रेम करके देंगे, हालांकि हम लोग पहले से बहुत कुछ फ्रेम करके आप लोग को दे दिए हैं जिससे कि आप लोग को बहुत कुछ समझ में आता है, लेकिन ऐसे करके अगर क्वेश्चन दे रहा है यार तो ये बहुत डीप क्वेश्चन है और थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा ही टफ क्वेश्चन है। ठीक है, कहे कि बहुत सारी कविताएं हैं कवि और उनका काव्य परिचय, तो आप लोग को अभी क्या करना है, देखिए हम लोग आप लोग को कुछ गाइड कर दे रहे हैं सबके लिए, सबको गाइड कर दे रहे हैं कि जितने भी
कविता है, गीत है, उसके जितने भी रचनाकार हैं, जैसे पुडली बरखा ऋतु हो गया, सावन घटा हो गया आपका, और भी जो भी कई तरह का गीत है, कविता है, तो उसका जो लेखक जो है ना, उसके बारे में जानकारी रख लीजिए, जो हम लोग आपको पीडीएफ में फ्रेम करके दिए हैं, ठीक है, और बतलाए भी हैं, उसको आप लोग कर लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए आगे हैं, डॉक्टर गिरधारी राम गोंजूकर कौन नाटक सबसे प्रसिद्ध आए, तो ये सब जो है ना वो उन्हीं का रचना है, लेकिन अखरा निंदाय गिलक जो है ना, अखरा निंदाय गिलक वो सबसे प्रसिद्ध हुआ था, फेमस हुआ था, क्यों हुआ था, जब क्लासेस हम आपको गिरधारी राम गोंजू का लिए थे तो हम बतलाए थे कि पलायन की समस्या को बतलाए थे अखरा निंदाय गिलक, पहले हम लोग का अखरा जो था ना वो नाचते कूदते रहता था, ठीक है, एक्टिवेटेड रहता था, ज्वलंत रहता, लेकिन अब यहाँ का लोग का तो पलायन हो जा रहा है, सब जवान लड़का लोग तो कोड़ा कमाने के लिए बाहर चला जा रहा है, तो अखरा बेचारा निंदा गया है, चुपचाप से शांत हो गया, सुस्त हो गया है, तो पलायन की समस्या को अखरा निंदाय गिलक में ये बहुत अच्छा से बताए हैं। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से अगर आप लोग पढ़िएगा सुनिएगा वीडियो को तो कैसे नहीं आप लोग को याद रहेगा, सो बताइए, तो उसी तरह से डिजाइन करके हम लोग आप लोग को कोर्सेज चलाए हैं, तो उससे आया है, इसीलिए आप लोग काफी भावुक होकर बोले कि हाँ सर जो आप बोले थे वैसा ही आया है, ठीक है। तो आगामी भी अब जो सीजीएल का जो एग्जाम होगा ना, या जो भी स्नातक स्तरीय लेवल का, तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को पकड़ के रखना है दिमाग में। हाँ चलिए, 49 डुसुट भेड़ा लोक कथा में इके कहला कि मोह भेड़ू के भेड़ कुमारा, हाथी कर दो दांत तोड़ो ना, राम जोड़ा बाग कटकटाते, भेड़ कहता, ठीक है, भेड़ कहती, तो इजी क्वेश्चन है। आगे चलो पहान देवता बनावे हो, धरती नहीं बने आगे मुर्गी चेंगना, शेखर पहान पहान पूजना। देखिए कितना बढ़िया से ये सब चीज को हम आपको बताए हैं, ये सब धरती पूजा का है, ठीक है। हम लोगों में धरती पूजा बहुत जोर से करते हैं हम लोग, खासकर किसान परिवार का लोग, ठीक है, और हम तो देखिए नागपुरिया के साथ साथ थोड़ा सा कुड़ुक भाषी क्षेत्र से भी हैं, तो हम लोग बहुत अच्छा से जानते हैं कि चंगा माई को उस समय प्रणाम किया जाता है, कदलेटा करल जाता है, मेड़की भूत को शांत किया जाता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ नागपुर में, झारखंड में नहीं होता है, उड़ीसा में भी होता है, केरला में भी होता है, महाराष्ट्र में भी होता है, बस अलग अलग नाम है। तो तीन दिन तक हर जगह तीन दिन तक हम लोग कोड़ी कुदारी नहीं चलाते हैं, पेड़ में नहीं चढ़ते हैं, ठीक है। तो वही समय पहान को और मुर्गी चंगना को पूछ के अपना पूर्वज लोग को या फिर भूत प्रेत पिशाच जितना लोग है सबको देते हैं कि लो भाई सबको एक बार दे दिए आप लोग को, अब साल भर के लिए आप लोग शांत रहिए, तो उसी को बोला जाता है मेड़की भूत को शांत करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस बात को तो बहुत अच्छा से आप लोग को पढ़ाए हैं, कई बार बताए हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या बोलते हैं यार इसको, धरती पूजा संबंधित है, ठीक है। अच्छा अब आगे का ये दो क्वेश्चन है हम अगला सेट में आप लोगों को करा देंगे, ठीक है। अभी तक ये 50 है, 50 क्वेश्चंस को आप लोग देखिए, इसको देखिए कि कैसे क्वेश्चन आया है, और क्वेश्चंस को ना अपने तरीके से तैयार कीजिए, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।